नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कक्षा 6 की जो आपकी बुक है SCERT की, उसके जो है हम चैप्टर वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था इसका चैप्टर नंबर जो है वो 6 है, क्लास 6 की जो SCERT की बुक है, जो कि आपको पिछला वाला जो चैप्टर है वो साइड में आई बटन में वीडियो जो है वो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7, जो कि है हमारा जीव जगत नाम से। इसके अंतर्गत क्या क्या सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में, जीवों के उभयनिष्ठ लक्षणों के बारे में, लक्षण के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण और लक्षणों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं और लास्ट में हम सबसे एक प्रश्न भी पूछेंगे इन पूरे चैप्टर पर आधारित। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो जल में पाए जाने वाले अत्यंत छोटे जीव हैं जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या समझा, सूक्ष्म जीव के बारे में। अब जीवाणु, विषाणु, युगलीना, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सभी आपके सूक्ष्म जीव के उदाहरण हैं। प्रश्न यहाँ पर आपसे कैसे पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव का उदाहरण नहीं है, और ये ऑप्शन आपको वहां पर दिए होंगे, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए नाम एक बार अवश्य जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो हमने ये तो देखा सूक्ष्म जीव जो है वो किसे कहते हैं। अब सूक्ष्म जीव यहाँ पर आपने देखा कि लिखा है हम इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, तो किससे देखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपका जो है वो सूक्ष्मदर्शी जो है इसकी सहायता से जो है हम देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी जो है इसका पूरा चित्र आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर अब दिखाई देगा। यहाँ पर जो नेत्रिका लिखा हुआ है यहाँ से हम देखते हैं, इसमें आवर्धक लेंस लगा होता है, यहाँ पर स्लाइड होती है, यहाँ पर दर्पण होता है। तो ये आपका पूरा चित्र होता है किसका, सूक्ष्मदर्शी का। और सूक्ष्मदर्शी के सहायता से ही हमने जो ऊपर अभी सूक्ष्म जीव की बात की इसे जो है हम देखते हैं। बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक लड़की जो है इसकी फोटो बनी हुई है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पानी की एक बूंद जो है इसको जो है वो देख रही है। और इस पानी की जो बूंद है इसको रखा कहाँ है, तो स्लाइड पे जो है वो रखा है, जो कि मैंने बताया भी था स्लाइड ऊपर चित्र में। तो स्लाइड में इस पानी की बूंद को रखा, इस पानी की बूंद में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आपका अमीबा दिखाई दे रहा है, जीवाणु दिखाई दे रहा है, युगलीना यहाँ पर दिख रहा है आपको, पैरामीशियम दिख रहा है, क्लेमाइडोमोनास दिख रहा है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में भी दर्शाया गया है। तो चित्र के माध्यम से आपको और ज़्यादा अच्छे से जो है वो समझ में आ रहा होगा। तो ये सभी पानी के एक बूंद के अंतर्गत जो है वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ क्या है, वो ये कि इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप किसी भी चीज़ को 200 गुना तक जो है वो बड़ा देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा स्टार्टिंग में हमने चित्र बनाकर दिखाया, तो उसके माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं जीवों में, जैसे कि आकार हो गया, आकृति हो गया, भोजन की जो आदतें होती हैं उनमें अलग अलग भिन्नता देखने को मिलती हैं। तो ये जो सबसे पहले हमने सूक्ष्मदर्शी वाला देखा, ये आपका किस में आएगा, ये आपका आकार में अलग अलग भिन्नता होती है, कोई बड़ा कोई छोटा, तो ये आपका आकार के आधार पर हो जाएगा। देखते हैं चलिए अब अपना दूसरा वाला पॉइंट। तो दूसरा वाला यहाँ जो पॉइंट है, ये आपका जीवों के आकार में भिन्नता जो है इसी के संबंध में चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे कि मटर का पौधा है, गेंदा है, कंगारू, हाथी, तो ये सभी छोटे बड़े हैं, कुकुरमुत्ता, युगलीना, मछली, केचुआ, शुतुरमुर्ग, सर्प, क्लाइडोमोनास, तितली, इसी प्रकार रक्ष, घोंगा, अमीबा, मेंढक। तो ये सभी आपके ये दर्शाते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उनके आकार में जो है वो भिन्नता जो है आपको देखने को मिलती है, यही यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। बात करते हैं आगे। तो इसी प्रकार जो ये दूसरा वाला चित्र देख पा रहे हैं, ये आकृति में विविधता देखने को मिलती है उसके संबंध में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर तारामीन है, पैरामीशियम है, पैरामीशियम जो है ये चप्पल के आकार का होता है, इस चीज को देखिए यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा ये आपका। इसी प्रकार जो कुकुरमुत्ता है ये आपका छतरी के आकार का होता है, देखिए साइड में छतरी बनी हुई है, और ये आपका कुकुरमुत्ता जो है वो होता है। देवदार जो है आपका इस प्रकार से त्रिभुज के आकार का होता है, इसका वृक्ष। तारामीन जो है ये आपका स्टार की तरीके से होता है। इसी प्रकार कछुआ आप देखते हैं इस प्रकार जो है वो कटोरी टाइप से या उल्टी कटोरी टाइप से आप देखते हैं। इसी प्रकार मछली का आकार यहाँ पर दिखा रखा है, और केचुए का आकार इस प्रकार से दिखा रखा है। तो यहाँ पर आकृति में विविधता देखने को मिलती है, अलग अलग जो जीव हैं उसको यहाँ पर समझाया गया है। बात करते हैं कुछ अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट की।
तो सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ से ये पूछा जाता है, सबसे सूक्ष्म जीव जो है वो कौन है? तो जीवाणु सबसे सूक्ष्म जीव होता है। सबसे बड़ा जो पक्षी है वो कौन है? तो शुतुरमुर्ग है। और सबसे छोटा पक्षी यदि बात करें तो हमिंग बर्ड जो है वो होता है। ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा पक्षी भी पूछा जाता है और सबसे बड़ा पक्षी भी पूछा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जंतु कौन सा है? तो जिराफ है। हमारे देश का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है? तो सफेदा है, जिसको हम यूकेलिप्टिस के नाम से जानते हैं। तो हमारे देश यानी कि भारत देश की जब बात की जाएगी तब आप इसे टिक करेंगे, परंतु विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष यदि पूछा जाएगा तब आपका अमेरिका का रेडवुड, जिसे हम सिकोया के नाम से भी जानते हैं, ये आपका हो जाएगा जब आपसे विश्व लेवल पर यानी कि विश्व स्तर पर पूछा जाएगा। ऊंचाई भी इसकी यहाँ पर लिखी हुई है, तो लगभग 110 मीटर जो है वो होती है। विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष है। और हमारे देश का यूकेलिप्टिस है, ये तो आपने देखा भी होगा गाँव में, खेतों में। मेरे यहाँ जो गाँव है उसमें भी खेतों में यूकेलिप्टिस के बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं, तो ये आपको सामान्यतः देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं हम अब अपना अगला पॉइंट है। यहाँ पर बात की गई है स्वपोषी और परपोषी की, परंतु इससे पहले हम पॉइंट वाइज देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा आकार के आधार पर जो है वो भिन्नता, दूसरा हमने देखा आकृति के आधार पर भिन्नता। तो ये दोनों चीजें देखी। अब हम देखेंगे जो अलग अलग जीव होते हैं उनमें जो भोजन होती है उसकी आदतों के आधार पर जो है वो भिन्नता। तो भोजन अलग अलग जो जीव होते हैं खाते, कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है, कोई सर्वाहारी होता है, तो वही हम भोजन में विविधता देखने को हमें मिलती है। अब बात करते हैं स्वपोषी की थी, तो सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल लेकर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, जिनसे उनका जो पोषण है वो जो है वो होता है। इसलिए सभी हरे पेड़ पौधे आपके स्वपोषी जो है भी कहलाते हैं। और समस्त जंतु और वे पादप जैसे कि अमर बेल है, बांदा है, कुकुरमुत्ता आदि, जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये आपके परपोषी जो है वो कहलाते हैं। बस आपको उदाहरण ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से जो पूछा जाएगा उदाहरणों से ही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा परपोषी का उदाहरण है, स्वपोषी का उदाहरण है। तो स्वपोषी परपोषी तो आपने डेफिनेशन तो समझ ली, परंतु एग्जाम्पल आपको अवश्य जो है वो रटे होने चाहिए। अमरबेल, बांदा, कुकुरमुत्ता, ये सभी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, इसीलिए ये जो है वो परपोषी कहलाते हैं। पर मतलब ये होता है किसी दूसरे पर निर्भर होना, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं ना बना सके वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो पर से परपोषी आपका बना है। स्व मतलब स्वयं से, यानी कि जो अपने जो पेड़ पौधे होते हैं अपना जो भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण की विधि से खुद बनाते हैं, तो वो आपके स्वपोषी जो है वो होते हैं। चलिए देखते हैं आप अपना अगला पॉइंट। तो यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं ये आपके वास स्थान से संबंधित हैं। तो वास स्थान को समझिए क्या होता है। तो वह स्थान जहाँ कोई भी जीवधारी हो उसको पर्याप्त भोजन मिले, सुरक्षा मिले, प्रजनन है, सभी अनुकूल जो दशाएं होती हैं वो उपलब्ध होती हैं, वही उसका वास स्थान जो है वो कहलाता है। जैसे तालाब का एक यहाँ वास स्थान का चित्र बना हुआ है, तो इसमें जैसे कि कछुआ है तो इसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, मछली है, बत्तख है, तो ये सब सभी आप देख पा रहे हैं ये वास स्थान से जो है वो संबंधित है। आई होप आपको सिंपल सी भाषा में समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं हम आगे आगे यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि मछली। तो यहाँ पर मछली के चित्र से ये समझाया गया है कि प्रत्येक जीव भी कहीं ना कहीं अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुकूलन के अनुसार उसका जो शरीर होता है वो बना होता है। जैसे कि हमने ऊपर वास स्थान देखा था, तो वास स्थान तो होता ही यानी कि आसपास का वातावरण, परंतु प्रत्येक जीव का भी जो शरीर होता है वो वहाँ की आसपास के जो वातावरण है उसके साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं अनुकूलन कर लेता है। अनुकूलन क्या होता है? जो विशिष्ट संरचनाएं आप कह सकते हैं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है वो आपकी कहलाती है अनुकूलन। तो ये अनुकूलन से संबंधित जो है आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं जो मछली है इसके संबंध में। तो मछलियों के संबंध में यदि बात करें तो जो मछली है उसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पखने होते हैं, पूंछ होती है, तो शरीर का जो आकार होता है वो कैसा होता है? नाव के आकार का होता है, जो कि इन्हें जल में तैरने में मदद करती है। यही यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि जो मछली होता है, जो जलीय जंतु होते हैं उनके शरीर की जो संरचना होती है वो जल में रहने के लिए जो है वो अनुकूलित होती है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो मेंढक जो है उसका पादजाल यहाँ पर जो देख पा रहे हैं,
तो इसी प्रकार इसमें भी जो मेढक होते हैं उनमें जो पादजाल होते हैं वो उन्हें तैरने में मदद करते हैं, तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं अनुकूलन को। चलिए देखते हैं हम अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है इसी प्रकार ऊंट के लंबे पैर और गद्देदार तलवे, जो आप कह सकते हैं रेगिस्तान पर चलने के लिए अनुकूलित होते हैं, तो इसीलिए इनके जो पैर होते हैं वो गद्देदार जो है वो होते हैं, जो कि वहाँ के रेगिस्तानी जो इलाके होते हैं उसमें चलने के लिए अनुकूलित होते हैं। इसी प्रकार कबूतर की बात करें तो उसके जो पंख होते हैं वो उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। आगे बात करते हैं इसी प्रकार जैसे कि जलकुंभी है, नागफनी है, तो ये जो आप पेड़ देख पा रहे हैं जलकुंभी, ये आपका जल में उगता है, तो इसी का स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है कि जो जलकुंभी होती है वो जल में जो है वो उगने के लिए अनुकूलित होती है। इस प्रकार जो नागफनी है कांटेदार यहाँ पर जो पौधे होते हैं ये शुष्क स्थानों जैसे कि रेगिस्तान मैंने ऊपर बताया था उसमें उगते हैं, तो वहां के लिए जो है वो अनुकूलित होते हैं। बात करते हैं इसी प्रकार आगे, तो मधुमक्खियों का छत्ता है, मकड़ी का जाला है, या शेर की गुफा है, पक्षी का घोंसला है, यहाँ पर ये जो समझाया गया है ये विभिन्न जंतुओं का घर या कह सकते हैं जो आवास है उसके बारे में समझाया गया है। तो किसी भी सजीव की यदि बात करें, किसी भी सजीव की बात करें चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जीव जंतु हो, तो किसी भी सजीव का वह परिवेश जिसमें वो रहता है, जैसे कि मधुमक्खी जो है वो छत्ते में रहती है तो ये मधुमक्खी का आवास हो जाएगा। इसी प्रकार मकड़ी का जो जाला है वो मकड़ी अपने जाले में रहती है तो कह सकते हैं वो उसका आवास हो जाएगा। इसी प्रकार पक्षी जो है उसका घोंसला हो जाएगा, और इसी प्रकार शेर की जो है वो गुफा हो जाएगी। तो ये आपका जो है वो आवास जो है आपका होता है। बात करते हैं अब चलिए अपना अगला पॉइंट पोषण। तो पोषण क्या होता है इसको समझिए एक लाइन में केवल, तो आपके जीव जंतु हों चाहे पेड़ पौधे हैं उनको पोषण की आवश्यकता होती है। क्यों? वृद्धि और कह सकते हैं आप विकास के लिए। यदि उनकी वृद्धि और विकास जो है वो प्रभावित होती है तो किससे होती है? आप कहेंगे पोषण से होती है। जैसे कि अब ये हम बात करते हैं पेड़ पौधों के संबंध में, तो कोई भी आप एक गमला ले लीजिए, उस गमले को आप क्या करिए धूप में ना रखिए, ऐसे ही कमरे के अंदर रख दीजिए, तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो उसे नहीं मिल पाता है, और उसकी मदद से जो तो प्रकाश संश्लेषण की मदद से वो भोजन का निर्माण जो करता है तो वो नहीं कर पाएगा, तो पौधों को पोषण नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जंतुओं की बात करें तो जंतु अपना जो भोजन है या पोषण जो है उसके लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों से जो फल मिलते हैं, अनाज और सब्जियां मिलती हैं उसके रूप में जो जंतु होते हैं, या दूसरे जंतुओं से अंडा दूध या कह सकते हैं मांस, ये सभी जो है वो प्राप्त करते हैं दूसरे रूप में, तो ये सभी जंतुओं के अंतर्गत पोषण जो है वो हो जाएगा। एक चीज और ऊपर वाले पॉइंट में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, दो पॉइंट, एक आपका दिनचर और एक आपका रात्रिचर। तो आपका दिनचर क्या होता है? दिनचर आप कह सकते हैं कि अधिकतर ऐसे जीव जंतु होते हैं जो दिन में सक्रिय रहते हैं और रात में आराम करते हैं, उन्हें हम दिनचर जो है वो कहते हैं। जैसे कि मक्खी है, गौरैया है, गाय है, ये सभी आपके दिनचर होते हैं। और यदि रात्रिचर की बात करें तो इसके जस्ट आपका अपोजिट हो जाएगा। रात्रिचर में क्या हो जाएगा? तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो रात में सक्रिय रहते हैं और भोजन के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तो ऐसे जंतुओं को हम रात्रिचर कहते हैं। जैसे कि तिलचट्टा है, उल्लू है, सियार है, चमगादड़ है, लोमड़ी है, तो ये सभी आपके रात्रिचर में जो है वो आते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला पॉइंट है, ये तो पोषण हमने देख लिया। पोषण के बाद हम देखेंगे श्वसन। तो श्वसन की बात करते हैं तो सांस लेने पर क्या होता है? ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर के अंदर जाती है या फेफड़ों में जाती है, और कह सकते हैं जिससे जो भोजन होता है उसका जारण होता है। जारण आपने एक वर्ड सुना होगा, इसी को हम ऑक्सीकरण के नाम से जो है वो जानते हैं। तो जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर फेफड़ों में जाती है तो भोजन का ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? ऊर्जा जो है आपकी और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड ये आपकी जो है वो उत्पन्न होती है। ऊर्जा भी उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो ऊर्जा और जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है उसमें से जो आपकी ऊर्जा है इसका हम यूज करते हैं विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हम जो है श्वास के द्वारा कह सकते हैं
बाहर निकाल देते हैं। तो श्वसन आप कह सकते हैं सभी जीवधारियों में होता है और ये आपकी एक जैविक क्रिया में जो है वो आती है। प्रश्न हो सकता हो आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी जैविक क्रिया है या नहीं है, तो ये आपकी जैविक क्रिया में जो है वो आती है। तो ये तो हमने समझा श्वसन को। चलिए अब बात करते हैं अगला पॉइंट, उत्सर्जन। तो जैविक क्रियाएं जैसे कि पाचन है, श्वसन है, इसके फलस्वरूप सभी जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। तो ये शरीर के लिए जो है वो अनावश्यक और हानिकारक होते हैं। तो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, इसी को हम उत्सर्जन के नाम से जो है वो जानते हैं। तो बस एक लाइन यहाँ से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है। और जंतुओं के ये पदार्थ जैसे कि मलमूत्र है, पसीना है, कार्बन डाइऑक्साइड आदि होते हैं जो कि उत्सर्जन के अंतर्गत आते हैं। और ये क्रिया पौधों में भी होती है, ऐसा नहीं केवल और केवल जंतुओं में या जीव जंतुओं में होती है, पौधों में भी होती है। जैसे कि कुछ पौधे हैं, जैसे आपका गोंद का पौधा है, रबर का पौधा है, राल जिसे हम रेजिन के नाम से जानते हैं, आदि का स्राव करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। इस तरह आपने जाना कि जंतु और पौधे दोनों में ही उत्सर्जन जो है उसकी क्रिया होती है। ये पॉइंट आपके लिए अच्छा है कि पौधों में भी उत्सर्जन की प्रक्रिया जो है वो होती है। तो ये हमने जाना उत्सर्जन। एक पॉइंट जानते हैं अब अगला, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता को आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारे आंखों में कोई धूल का कण चला जाता है तो क्या होता है, आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं, हमें दर्द का आभास होता है। या कह सकते हैं जब हमारा हाथ कोई अचानक से किसी गर्म वस्तु को आप छू लेते हैं तो क्या होता है, आप हाथ तुरंत झटके से हटा लेते हैं, गर्मी का आभास आपको होता है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं जैसे कि कोई मनपसंद आपका पकवान बना है तो दूर से आप देख के लार चुआ रहे हैं, तो ये आपका क्या है, संवेदनशीलता को दर्शा रहा है। अब जैसे मैंने जो एग्जाम्पल आपको बताया उसमें आपको समझना है उद्दीपन और उसके साथ साथ अनुक्रिया। एक तो आपको समझना है उद्दीपन और दूसरी चीज आपको समझना है अनुक्रिया। अब देखिए जो एग्जाम्पल मैंने बताया उसी के माध्यम से हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आंखों में जैसे कोई धूल का कण चला जाता है तो जो धूल का कण है वो आपका क्या है, वो आपका है उद्दीपन। और तुरंत हम क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, तो आपने उद्दीपन के प्रति जो कार्य किया वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका अनुक्रिया जो है वो कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरा हमने एग्जाम्पल क्या देखा था, जैसे कोई अचानक से कोई गर्म वस्तु को हम छू रहे हैं तो छूने के बाद हमें क्या एहसास हो रहा है कि वो वस्तु बहुत गर्म है, तो वो क्या है, आपका उद्दीपन है। और तुरंत हम हाथ हटा लेते हैं यानी कि जो क्रिया कर रहे हैं उस उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया वो आपकी हो जाएगी, जो हम हाथ हटा रहे हैं वो आपकी अनुक्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार मैंने आपको बताई मनपसंद आपने मिठाई दूर से देखी, आपके घर में जलेबी तल रही है, तो आपने क्या देखा, उनको देखा, जैसे आपने आभास किया तो वो आपका क्या है, वो उद्दीपन है। और जब आपके स्वतः मुंह में जो है वो लार उत्पन्न हो रही है तो वो आपकी क्या है, वो आपकी अनुक्रिया है। ये दोनों चीजें हमने समझ ली। अब इस संवेदनशीलता से जोड़कर देखें तो जो उद्दीपन है इसके प्रति जो अनुक्रिया है यही आपकी संवेदनशीलता होती है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ही संवेदनशीलता जो है वो होती है। आई होप आपको समझ में क्लियर यहाँ से आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की, पेड़ पौधों में वृद्धि। यहाँ पर अब किसकी बात हुई है, वृद्धि की। अभी हम इस टॉपिक को समझेंगे वृद्धि की। तो पेड़ पौधों में वृद्धि होती है जीवन पर्यंत। आप देखते हैं जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, जबकि जो जंतु होते हैं उनमें वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। परंतु यदि जंतुओं में विकास की बात की जाए या मनुष्यों में विकास की बात की जाए तो वो आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है। यही अंतर भी होता है आपका वृद्धि और विकास में। तो पेड़ पौधों में ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से जीवन पर्यंत जो है वो चलता रहता है। और एक आप ऊपर जो संवेदनशीलता देख के आए थे उसमें एक छुईमुई का पौधा आपने देखा होगा, वो भी बहुत अच्छा उसका एग्जाम्पल होता है। जैसे आप छुईमुई के पौधे को छूते हैं तुरंत उसकी जो पत्तियां होती हैं वो बंद होने लगती हैं, तो वो भी आपका उसी के एग्जाम्पल में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा, वृद्धि देखा। वृद्धि के बाद हम क्या देखेंगे, प्रजनन देखेंगे। तो वृद्धि के बाद आपका अगला पॉइंट क्या है, प्रजनन। प्रजनन को समझिए, जैसे कि सभी जंतु हैं या पौधे हैं उनमें अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसी को हम प्रजनन जो है वो कहते हैं। एक लाइन में केवल यही याद रखिएगा, सभी जंतुओं तथा पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसी को हम प्रजनन जो है वो कहते हैं। जैसे जीव जंतुओं में बात करें तो जो
पक्षी होते हैं आप देखते हैं, उनके घोंसले में अंडे होते हैं, फिर उन अंडों से वापस से पक्षी जो है वो आते हैं। इसी प्रकार यदि बात करें पेड़ पौधों में, तो पेड़ पौधों में आप कह सकते हैं जैसे कि पेड़ कोई भी है, यहाँ पर सिंगल मात्रा लगेगी। तो जैसे कि कोई भी पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधे में क्या होता है, पेड़ पौधों में फूल होता है। पेड़ पौधों में क्या होता है आपका, फूल लगते हैं, उन फूलों से आप कह सकते हैं फल बनते हैं, क्योंकि जो फल होता है वो पहले छोटा सा कली टाइप की होती है या धीरे धीरे फल का रूप लेता है। तो पेड़ से फूल, फूल से फल, फिर फल से आप क्या क्या बनता है, फलों से आपका बीज बनता है, और फिर इन बीजों से आपका क्या बनेगा, इन बीजों के निर्माण से आप कह सकते हैं बीज से फिर नया जो है आपका पौधा जो है वो बन जाएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं जो प्रजनन है उसकी प्रक्रिया जो है वो होती है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बात करते हैं चलिए अपने अगले पॉइंट की, कोशिकीय संरचना। तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं घर जो होता है हम लोग का, वो छोटी छोटी जो ईंटें होती हैं उससे जो है वो मिलकर बना होता है। उसी प्रकार बात करें जो जंतु हैं या कह सकते हैं पेड़ पौधे हैं, जंतु या पौधे ये भी, या इनका जो शरीर होता है वो भी जो है आपका छोटी छोटी जो संरचनाएं हैं उसका बना होता है। तो यही जो संरचनाएं होती हैं वो आपकी कोशिका कहलाती हैं, और इनकी जो संरचना है उसको आप कोशिकीय संरचना जो है वो कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कोशिकीय संरचना। यहाँ से एक लाइन में आपसे प्रश्न जो पूछा जाता है वो आपसे क्या पूछा जाता है वो यहाँ पर हम लिख के बता देते हैं। सबसे पहले आप एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव को समझ लीजिए कि कुछ जीव जैसे कि अमीबा है, पैरामीसियम है, ईस्ट है, क्लेमाइडोमोनास है आदि जो है, इसका शरीर एक कोशिका का बना होता है, इसलिए इन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो डेफिनेशन तो देखिए आपको नाम से ही समझ में आ रही है, बस आपको यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो ध्यान देना है कि आपके एक कोशिकीय जीव में कौन कौन से आते हैं। और अधिकतर जंतु जो हैं तथा पौधे हैं उनका शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ऐसे जीवों को हम बहुकोशिकीय जीव जो है वो कहते हैं। तो एक कोशिकीय जीव के ही केवल एग्जाम्पल ध्यान रखिए, बहुकोशिकी तो आप जानते हैं जैसे कि आपके सभी हाथी है, मनुष्य है, वो सब बहुकोशिकीय जीव में ही आते हैं। तो एक कोशिकीय में आपका अमीबा, पैरामीसियम, ईस्ट, क्लेमाइडोमोनास ये सभी जो है वो आ जाएंगे। मैंने जो पॉइंट की बात की वो यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ, वो आपको ये याद रखना है जो जीवाणु होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं। किसकी, जीवाणु की जो कोशिकाएं होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं, जबकि जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो आपकी सबसे बड़ी कोशिका जो है उसमें आता है। तो ये आपका वन लाइन में काफी बार पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ये आपका जो है सबसे बड़ी कोशिका में आता है, और जीवाणुओं की जो कोशिकाएं होती हैं वो सबसे छोटी कोशिका में जो है वो आती हैं। ये शुतुरमुर्ग नहीं है, इसका जो है वो अंडा, ध्यान रखिएगा शुतुरमुर्ग का अंडा ये सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए बात करते हैं अब अपने अगले पॉइंट की। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर कुछ जंतु हैं और जो पौधे हैं उनका जीवन काल दे रखा है, क्योंकि प्रत्येक जंतु और पौधे उसका जीवन काल अलग अलग होता है। तो जैसे कि बिल्ली से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिल्ली का 25 से 30 वर्ष होता है, घोड़ा जो है इसका 40 से 50 वर्ष होता है, हाथी की बात करें तो 70 से 90 वर्ष होता है, चूहा की बात करें तो 4 से 5 वर्ष होता है, तोता जो है वो 14 से 15 वर्ष होता है, कछुआ की बात करें तो 120 से 150 वर्ष होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, बरगद की बात करें तो 100 से 200 वर्ष होता है, सिकोया की बात करें तो 3000 से 4000 वर्ष होता है। ये एकदम हाई है, तो इस टाइप से जो चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। 3000 से 4000 वर्ष आपका सिकोया जो है इसका होता है। ये मक्खी में जो है वो एक दिन लिखा हुआ है, गेहूं की बात करें तो 5 माह हो जाएगा आपका, बंदर की बात करें तो 20 से 25 वर्ष आपका हो जाएगा, कुत्ता की बात करें तो 16 से 18 वर्ष हो जाएगा, और बिल्ली तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया, और मनुष्य की बात करें तो 60 से 70 वर्ष हो जाएगा। हालांकि 100 वर्ष एक माना गया, परंतु एवरेज के आधार पर यहाँ पर जो है वो दिया गया। वर्तमान समय में जैसे आप देख रहे हैं तो एक औसतन व्यक्ति जो है वो 60 से 70 वर्ष की आयु जीता है, तो वो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। बाकी तो आप देखते हैं 100 तक एज जो है वो होती है, और जीने वाले तो 105 वर्ष भी जो है वो जीते हैं, 110 भी जीते हैं, तो ये सभी जो है वो जीवन काल जो है वो हो जाएंगे। बात करते हैं चलिए अब
जंतुओं के वर्गीकरण की। तो जंतुओं का जो वर्गीकरण है उसके अलग अलग तरीके होते हैं, यह कह सकते हैं जो जंतु हैं उनका जो वर्गीकरण है वो अलग अलग आधार पर किया गया है। तो संरचना के आधार पर, मेरुदंड जो है इसकी उपस्थिति के आधार पर, प्रजनन विधि के आधार पर और निवास स्थान के आधार पर, ये आपके चार प्रकार हो जाएंगे। तो इनको हम डायरेक्ट डायरेक्ट समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर आपके दो होते हैं, एक आपका होता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा आपका होता है बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के बारे में मैंने आपको बताया। तो एक कोशिकीय जीव में आप कह सकते हैं जिनका जो शरीर होता है वो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे कि पैरामीशियम, ईस्ट, क्लेमाइटोमोनास आदि का शरीर एक कोशिका का बना होता है, इसलिए वो आपका एक कोशिकीय। और बहुकोशिका में तो आप कह सकते हैं अधिकतर जंतु, पेड़ पौधे, इन सभी का अलग लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए बहुकोशिकीय। तो संरचना के आधार पर जो डिवीजन किया गया है वो आपका एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो जाएगा। अमीबा में, यानी कि अमीबा के अलावा एक कोशिकी में और भी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे युगलीना हो गया, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। बहुकोशिकी में आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि मछली, मेढक, मनुष्य, हाइड्रा, घोंगा, ये सभी आपके बहुकोशिकी में आते हैं। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, मेरुदंड जो है इसकी उपस्थिति के आधार पर। तो ऐसे जंतु जिसमें जो मेरुदंड, जिसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, तो मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं अकशेरुकी, और जिनमें पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं कशेरुकी। तो बस इसी के आधार पर इसका डिवीजन जो है वो किया गया है। कौन कौन सा? एक आपका हो जाएगा कशेरुकी, कशेरुकी, और एक आपका हो जाएगा अकशेरुकी, अकशेरुकी। तो अब दोनों की डेफिनेशन के एग्जांपल भी जान लेते हैं। तो अकशेरुकी में मैंने बताया कि जिनमें मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, आ जिसमें लग जाता है उसका मतलब ही होता है नहीं। जैसे आपके कीड़े मकौड़े हो गए, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, केचुआ है, तिलचट्टा है, घोंगा है, इन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, तो इसलिए सब आपके अकशेरुकी जो है उसके उदाहरण हो जाएंगे। वहीं यदि बात करें कशेरुकी उदाहरण में, तो सबसे बेस्ट आपका उदाहरण क्या हो जाएगा? मनुष्य। क्यों? क्योंकि मनुष्य में रीढ़ की हड्डी होती है। इसी प्रकार मछली है, मेढक है, पक्षी है, गाय है, ये सभी आपके कशेरुकी जंतु में आते हैं, इनमें जो है रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब बात करते हैं प्रजनन विधि के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो प्रजनन विधि के आधार पर आप कह सकते हैं दो टाइप होते हैं, एक आपका होता है अंडयुज, या कहीं कहीं डायरेक्ट अंडुज भी करके लिखा रहता है, पर अंडयुज जो है आपका SCERT में दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। एक होता है आपका अंडयुज और दूसरा आपका होता है जरायुज। तो अंडयुज और जरायुज जो है ये हो जाएंगे किसके आधार पर? प्रजनन विधि के आधार पर। अब दोनों को समझिए क्या होता है। तो आपका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है आपका कि अंडयुज मतलब अंडे देने वाले जीव जंतु, जैसे कि मछलियां, मेढक, छिपकली, सर्प, पक्षी, कीड़े मकौड़े आदि सभी अंडे देने वाले जंतु होते हैं, इसीलिए आपके ये अंडयुज में आते हैं। जरायुज में क्या आता है आपका? जो कि आपके बच्चे देते हैं, जैसे कि मनुष्य आपका आ जाता है, तो ये आपका अंडयुज और जरायुज में जो है वो डिफरेंस हो जाएगा। चौथे की बात करें निवास के स्थान के आधार पर, तो आपका इसमें जलीय है, यानी कि जो जल में रहते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था अनुकूलन के आधार पर, तो जलीय हो गया। वायवीय है, जो कि वायु में उड़ते हैं, जैसे कि आप देखते हैं पशु पक्षी हो गए। इसी प्रकार स्थलीय, जो कह सकते हैं स्थल पर रहते हैं, अपना आवास स्थान जो है वो स्थलीय बना के रखे हैं, तो ये आपके हो जाएंगे। तो एक एक लाइन में जानते चलिए, जलीय यानी कि जंतुओं का आवास स्थान अलग अलग होता है, तो जल में रहने वाले जो होते हैं वो आपके जलीय होते हैं, जैसे कि मछली। वायवीय में बात करें तो जंतु जैसे कि पक्षी है वो अधिकांश समय वायु में उड़ते रहते हैं, तो वायवीय। स्थलीय में आप बात करें तो कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो अपना जीवन यापन स्थल पर करते हैं, वो आपके जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बकरी है, मनुष्य है, ये सभी स्थलीय में आते हैं। मनुष्य भी आपका स्थलीय में आता है, तो ये आपका स्थली में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने समझी, बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, इतनी सारी मेहनत करते हैं आपके लिए, एक लाइक तो आपका बनता ही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पर कुछ
अकशेरुकी जंतु और कुछ कशेरुकी जंतु जो है उसके यहाँ पर एग्जाम्पल चित्र के सहित दिए हुए हैं। तो हमने जान तो लिया कि जिनमें अकशेरुकी में मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी जो है वो नहीं होती है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर तिलचट्टा और ये सब बने हुए हैं चित्र। इसी प्रकार कशेरुकी जंतु में आप देख सकते हैं मेढक, छिपकली और सभी यहाँ पर मछली वगैरह सब इसी में जो है वो आते हैं। और आगे चित्र देखते हैं, तो अगला चित्र यहाँ पर नहीं है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो थियोफ्रेस्टस है उसको वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो कहते हैं। ये एकदम ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार पूछा जाता है इस टाइप के प्रश्न कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो थियोफ्रेस्टस को जो है वो कहते हैं, और लीनियस को वर्गीकरण का पिता जो है वो कहा जाता है। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, लीनियस को, और वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं आगे। तो हमने सभी आधार पर बात कर ली, अब बात करते हैं पुष्पी और अपुष्पी जो पौधे हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विभिन्न प्रकार के पुष्पी पौधे। तो पुष्पी और अपुष्पी इन दोनों टर्म को समझते हैं। पुष्पी पौधे क्या होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो जो पुष्पी पौधे होते हैं, इन पौधों पर पुष्प और फल, पुष्प और फल दोनों लगते हैं, या कह सकते हैं फल, पुष्प और फल भी लगते हैं, और ये पूरी तरीके से विकसित पौधों में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। इसमें जड़ है, तना है, पत्ती है, ये सभी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये सभी आपके पुष्पी पौधों में जो है वो आते हैं। एग्जाम्पल इसके ऊपर आप देख सकते हैं, जैसे कि सूरजमुखी है, कुमुदनी है, गुलाब है, सरसों है। यहाँ पर देखिए सभी में स्पष्ट दर्शाया भी गया, जैसे कि सरसों में आप देखेंगे तो पुष्प भाग, इसका फल भाग, इसी प्रकार गुलाब में देखिए तो तना दिखाया गया है, पुष्प इसमें भी दिखाया गया है, इसी प्रकार कुमुदनी में देखिए तो पुष्प दिखाया गया, सूरजमुखी में आप देखेंगे तो पुष्प दिखाया गया है। तो यही आपके सभी पुष्पी पौधों में आते हैं। और पुष्पी पौधों में आप यहाँ पर ये भी नोटिस कर रहे हैं कि सभी में पुष्प भी हैं, तो ये भी आपका एक पहचानने का अच्छा आधार जो है वो बन सकता है। चलिए बात करते हैं अपुष्पी पौधों की। तो ये सभी आपके विभिन्न प्रकार के अपुष्पी पौधे जो है वो हो जाएंगे। इनकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि इन पौधों पर पुष्प जो है वो कभी नहीं लगते हैं, और इनमें जड़ या तना तथा पत्ती है। अधिकतर आपको ऐसे वृक्ष इसमें देखने को मिलेंगे या पौधे देखने को मिलेंगे जिनका अभाव रहता है। चूंकि इसमें आप कह सकते हैं पुष्प कभी नहीं लगते हैं, तो फल भी नहीं होंगे, तो इसमें जो वंश वृद्धि है वो पुष्पों के स्थान पर जो विशेष प्रकार के बीजाणु होते हैं उनके द्वारा जो है वो होती है। क्योंकि मैंने ऊपर आपको एक सीरियल बताया था कि किस प्रकार आपका जो पुष्प है उससे जो है आपका फल बन रहा है, फिर फल से आपका बीज बन रहा है, बीज से नया पौधा। तो वो जो क्रम बताया था वो इन अपुष्पी पौधों में लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो पुष्प ही नहीं है। तो इसलिए इनमें जो आप कह सकते हैं प्रजनन होता है या वृद्धि, पुष्प वंश वृद्धि आप कह सकते हैं होती है, वो पुष्पों के स्थान पर विशेष प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है। ये जो पौधे होते हैं वो अविकसित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि फर्न होता है इसका, विभिन्न प्रकार के मांस ये भी जो है वो पौधे होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो शैवाल हैं वो इसमें आते हैं, विभिन्न प्रकार के कवक हैं और बैक्टीरिया हैं ये भी जो है इसी में आते हैं। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल जो है वो हो जाएंगे। तो बस आपको मेन फोकस एग्जाम्पल पर करना है, क्योंकि जो प्रश्न आपसे सुपर टेट में पूछा जाएगा वो एग्जाम्पल से ही जो है वो पूछा जाएगा। बाकी तो सारी चीजें आपके समझने के लिए, क्योंकि आप समझ लेंगे तो आपका जो नॉलेज है वो अच्छा हो जाएगा। तो हमारा पूरा चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कराई, एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हैं। तो सारी चीजें हमने पढ़ी, अब जो हमने सारी चीजें पढ़ी उसी के बीच से एक क्वेश्चन है आपका, कछुए का जीवन काल लगभग कितने वर्ष होता है। तो जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए यही प्रश्न है। ऑप्शन ए 100 वर्ष, ऑप्शन बी 100 से 110 वर्ष लगभग, ऑप्शन सी 110 से 140 वर्ष लगभग, या ऑप्शन डी 120 से 150 वर्ष लगभग। ऑप्शन ए बी सी डी टाइप करके भी आप बता सकते हैं।
या डायरेक्टर जो ईयर है वो भी बता सकते हैं। तो सभी लोग अपना जो आंसर है वो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे आज का चैप्टर समाप्त होता है। आज कोड में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।